नीव के लिए बना रही हूँ मसाला रोटला। तो इस तरह से वेल मिक्सिंग के साथ इसको कूट लेंगे पूरा। अभी हम इस मक्खन से इसको माख लेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? राम राम, सीताराम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो आज शाम टलने वाली है वैसे तो, लेकिन अभी हमारा खाना पकाना भी बाकी है। और यहाँ पे हमारे नीव भैया अपने बॉल और बैट से खेल रहे हैं और गायत्री ऑडियंस की तरह देख रही है। पहले ये देख लीजिए नज़ारा, देखिए पहले ये हमारी गायत्री यहाँ बैठी हुई है और हमारे नीव भैया है वो यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अभी अकेले ही बॉल फेंक रहे हैं, अभी अकेले ही बैट से मार रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। अभी नीव के लिए बना रही हूँ मसाला रोटला, जो उसने कभी खाया नहीं है और आई होप कि वो खा ले। तो उसके लिए कुछ टेस्टी बना रही हूँ। वैसे ये कोथमीर है और इसमें अदरक हरी मिर्च और मैंने डाला है अनियन और ये सब कुछ मसाला करके रखा है वो भी इसमें डाल रही हूँ, जिससे ये सब कुछ टेस्टी लगे। अभी ये हमारा नीव भैया रेडी बैठ है तो उसे कितना अच्छा लग रहा है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं खाया तो मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ और थोड़ी सी वो टेस्ट के लिए मिर्च भी। अभी मेरे पास है ये संचर मसाला तो वो भी डाल रही हूँ इसमें। तो अच्छे से ये रोटला बन जाए और नीव को अच्छा लगे। अभी तो बना लेती हूँ। इसमें हमने बाजरे का आटा डाला हुआ है तो ये बाजरे की ही बनेगी, आप सबको पता तो होगा ही। अभी ये मिक्स कर देती हूँ सारा कुछ एक ही साथ में। वो पूरी रेसिपी के साथ हमने आज ये रोटला बना दिया। सब लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तो इसी तरह मसाला रोटला बनाती हूँ, जैसे टेस्ट में भी अच्छा लगे। अभी इसको इस तरह से वेल मिक्सिंग के साथ इसको कूट लेंगे पूरा लोट को, फिर बाद में जैसे हम रोटला बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। अगर इसको दही के साथ खाएंगे तो भी ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको सब चीज से अच्छा है कि दही के साथ खाया जाए ये रोटला, तो बच्चों को कुछ ना कुछ नए नए अगर विंटर में ट्राई करेंगे तो वो खाएंगे भी और हेल्थफुल भी रहेगा। ये आचर कुचर खाते रहते हैं। अभी गैस की फ्लेम फास्ट कर देते हैं तो जल्दी हो जाए। अभी ये बन गया हमारा रोटला। अभी ये हमारा मसाला रोटला रेडी है। हम इस मक्खन से इसको माख लेंगे। तो अभी अच्छा लग ही जाएगा हमारे भाई को। बीच में ही रखती हूँ जिससे अच्छा लगे ये सब कुछ। हो गया रोटला। अभी बदली हुई से रहा नहीं जा रहा है, देखिए गर्मा गर्म है और फूक मार मार के खा रहे हैं दही के साथ। अभी कितना टेस्टी लगता है ये तो हमारे नीव भैया को ही पता। अभी मुंडा तो ऊंचा पर दिख ही नहीं रहा तुम इधर से भी। कैसा है? अभी बोला भी नहीं जा रहा। गुड मॉर्निंग दोस्तों,
तो आज की नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और देखिए ये पंछी भी खाना खाने आ गए हैं अपना, हम जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं वैसे। देखिए जी 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 जी, आज वैसे हमारे रणजीत भैया का हॉलीडे है, रजा है, छुट्टी है, तो अभी अपना होमवर्क कर रहे हैं कैलकुलेट कर करके। कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाना ही होता है तो आके बस उसमें लगे पड़े रहते हैं। वैसे तो अपना काम काज करने के बाद अपना रूटीन ले लेंगे खेलने का। अभी सुबह के टाइम हमारी लक्ष्मी गायत्री है, वो क्या कर रही है देख के आते हैं। सुबह के टाइम वो भी अपनी मस्ती में रहते हैं और मंद मंद वो कहते हैं ना कि धूप आ रही है धीरे धीरे, देखिए अभी आएगी थोड़ी थोड़ी थोड़ी। अभी सूर्य नारायण भगवान वहाँ से दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है। पीछे थोड़ा वो ठंड जैसा माहौल था तो अगर यहाँ खड़े रहे तो ठंड नहीं लगेगी। वैसे अभी झूपड़े में गायत्री नहीं है, अभी इसको यहाँ शिफ्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि पूरी रात यहाँ रहती है, तो अभी यहाँ नहीं रखते हैं, फिर दूसरी जगह पे उसको रख देते हैं। अपनी जगह पर गायत्री खड़ी हुई है और ये लक्ष्मी भी यहाँ है। दोनों ने शायद लग रहा है कि खाना खा लिया है, तो लक्ष्मी को तो मस्ती सूझ रही है। वैसे लक्ष्मी को है वो हम सिर पे ना छुए ऐसे ही बात करें तो चलता है, लेकिन हमारी गायत्री को देखो जैसे ही हमें देखती है तो ये अपना मुंड सिर हिलाती ही रहती है। देखिए उसे अच्छा नहीं लगता है, ओम ओम से बात ना करे लक्ष्मी से कर रहे, इसको भी चिड़चिड़ा पर ना चाहता है क्यों गायत्री। अपना पूरा चारा वैसे तो खा लिया है, ये तो पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा। देखिए अभी इसको ऐसे लग रहा है कि मैं उसके सिर पे हाथ देख के ही खड़े रहूँ, नहीं तो ये हमें ऐसे ही मस्ती करने के लिए ती रहेगी कि हाथ दो मुझे खुजलाओ। वैसे उसे हम खुजलाते रहे तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि मुझे यहाँ पे खुजला रहे हैं, तो ये सब हमारी गायत्री का तो रहता है सुबह के टाइम। अभी सुबह के टाइम खेत में आना भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हरियाली हरियाली रहती है तो आँखों को भी अच्छा रहता है, थोड़ी थोड़ी धूप आती रहती है तो यहाँ आने से थोड़ी देर शांति मिलती है, अच्छा लगता है सब कुछ। तो ये हमारे जो मॉल है, हमारा पार्क है, हमारी फसल है, उसे देख के भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि किसानों को उनका उन पर ही निर्भर रहते हैं, तो उनकी फसल अगर अच्छी रहेगी तो किसान को अच्छा ही लगेगा, तो इसको दिन ब दिन बढ़ता देख के अच्छा लगता है। वैसे देखिए जैसे ही दो तीन दिन होते रहते हैं वैसे थोड़े 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 हमारे धनिया भी बढ़ रहे हैं। आसपास के सभी खेतों में धनिया ही लगा है तो एक जैसा ही हमें हरियाली दिखाई दे पड़ रही है। अभी ये छोटे छोटे पप्पी कहाँ गए वो दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वो यहाँ अपना घर बनाए कर बैठे हुए थे तो अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ट्रैक्टर आ रहा है, थोड़ा बहुत खातर का स्टॉक लगा लेते हैं तो ला लेते हैं, ये खातर का तो डालेंगे ट्रैक्टर में। क्या इससे मौसम अच्छी होती है, खातर होता है तो वरना बिल्कुल अच्छी नहीं होती, थोड़ा ट्रैक्टर मिला है यानी कि हमारी फसल को अच्छी करने के लिए अभी से तैयारियां हो रही है। इस बार तो आधी हो चुकी है और हो जाएगी, पिछली बार के लिए ये खाता का स्टॉक करते हैं तो चलो तो हम लगवाने जा रहे हैं खाता और खेत सही से ठीक करवाने और ये सब कुछ। फार्मर्स की देखो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट ही रहती है, जैसे कि एक फसल बोई दूसरी स्टार्ट है और दूसरी स्टार्ट है तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन हो रही है। हमारे खेत में जो हमें
खाद डालना है, तो विजय कह रहे हैं कि उनके लिए हमने बाहर से खाद मंगवाया है, तो वो आ रहे हैं वो ट्रैक्टर ले लेके भर भर के मीन्स के, तो उसे एक जगह पे हमें रखना होता है, तो उस जगह भी ठीक करवानी होती है और सब कुछ सही से हो तो खाद अच्छी सर अच्छी तरह से वहाँ वो कहते हैं ना कि ढेर करा जा सकता है हमारे वहाँ उस वाले फार्म पे। तो विजय क्या बस यही सब कुछ जो फार्म का ही काम रहता है पूरा दिन, तो कभी कभी मिल सकते हैं कभी नहीं मिल सकते हैं उनसे, क्योंकि रात को थक जाते हैं, तो बस मैं ऐसे डिस्टर्ब नहीं करती उन्हें कि चलिए वीडियो बनाएं, तो अभी उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा बना लेते हैं तो सही है। हाँ तो विजय बस अपना काम कर रहे हैं उस वाले खेत पे, और यहाँ हम हमारा काम करेंगे घर पे, खाना पकाना ये सब कुछ दोपहर का। तो आई होप आपको ये आज का हमारा पूरा व्लॉग है वो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो तब तक के लिए बाय बाय।